मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। जिला बिदर बसो कल्याण के होने वाले असेंबली बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जीत का दावा। रियासत कर्नाटका जिला बिदर के बसो कल्याण एमएलए बी नारायण राव का 65 साल की उम्र में 24 सितंबर 2020 को इंतकाल हो गया था। वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी टिकट से इलेक्शन जीते थे। बी नारायण राव के इंतकाल से अब ताल्लुका बसो कल्याण बिदर असेंबली हल्के की सीट खाली हो गई है। अब यहाँ इलेक्शन होने हैं। इस असेंबली हल्के से कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, बीजेपी, बीएसपी और एआईएमआईएम वगैरह के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बी नारायण राव के अहलिया माला बी नारायण राव हिस्सा ले सकती हैं। इन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से टिकट हासिल करने का बल्कि जीत का भी दावा किया है। माला बी नारायण राव ने बताया कि हमें कांग्रेस हाईकमान पर पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें ही इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिलेगा। नहीं नहीं, कौन से भी पार्टी, 100% हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में ही। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर अब जो उम्मीदवार नया आएगा फिर उसके साथ? नहीं नहीं, हाईकमान के ऊपर पूरा भरोसा है, टिकट हमको ही मिलता है। साबिक में जब कमर इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ तो कनीस फातिमा को टिकट दिए, तो इस हवाले से 100% ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से टिकट आपको मिलने वाला है। अगर कांग्रेस से आपको टिकट मिलेगा तो आप बसों कल्याण के आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? सब लोग 2018 में दिवंगत बी नारायण राव मेरा पति को कितना सब लोग हाथ मिला के वोट दिए के जिताए थे, वैसे हमको भी जिताएंगे बोल के हमको भरोसा है पूरा। बहुत अच्छा लोग है बसवा कल्याण का, बस इतना ही कहना चाहते हैं। जो मेरा हस्बैंड जो छोड़ के गया है और जो भी काम, वो अधूरी काम जो है वो मैं पूरा कोशिश करूंगी, वो काम के लिए मैं पूरा हाथ लगा के काम करूंगी। जो लोकल बसवा कल्याण की कांग्रेस बॉडी है क्या वो आपके फेवर में है? जी बिल्कुल। इसके अलावा माइनॉरिटीज के वोट आपको लगता है कि जितने वोट्स बी नारायण राव साहब को मिले थे, इस बार अगर आपको टिकट मिलेगी तो वो वोट आपको पूरे मिलेंगे? उनसे भी ज़्यादा 100% हमको मिले। और एक बात सुनने में आ रही कि मजलिस एमआईएम का कैंडिडेट भी इधर ठहरा करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा, तो उससे वोट माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो डिवाइड होने के चांसेस होंगे, तो ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे अगर वैसा? नहीं नहीं, वो सब नहीं, तो माइनॉरिटी आपके साथ रहेंगे जी। क्या मैसेज है आप बसों कल्याण के लिए आपका? कुछ नहीं, आने वाले दिनों में चुनाव है, उपचुनाव है, वो उपचुनाव के लिए सब लोग हमारा साथ देता है बोल के भरोसा है हमारा, पूरा उनका ऊपर भरोसा है। मैं मोइनुद्दीन, एक सीएमसी मेंबर, मैं हाईकमान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बी नारायण साहब का जो हाल ही में जो इंतकाल हो चुका है, जो अपनी पार्टी के लिए जो खिदमत करते हुए अपनी जान दे दिए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उस बात को पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। जैसा कि पिछले लॉकडाउन के अंदर जो करोना वायरस का जो चल रहा है माहौल, उसके अंदर जो बी नारायण साहब ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। मैं पार्टी से उम्मीद रखता हूं, जैसा कि बी नारायण साहब एक तंदुरुस्त चुस्त आदमी, मेहनत करते करते खिदमत अंजाम देते देते जो अपनी जान दे दी, इस बात को पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। जो इंसान की सबसे अजीज अपनी जान होती है, उस जान की बाजी लगाना कोई मामूली बात नहीं है। पार्टी इस बात को गौर करेगी और इस बात को गौर करते हुए माला मैडम को उनका हक देगी। माला मैडम ने जो पिछले में जो नारायण साहब जो 64,000 की लीड वोट लेकर जो जीता था हियर लीड के साथ में, उसके अंदर माला मैडम का बहुत ही अहम रोल रहा है। हम सब लोग टीम के साथ उनके साथ काम किए हैं। माला मैडम ने बहुत मेहनत की, नारायण साहब की जीत में माला मैडम का एक अहम रोल रहा है, उस अहम रोल को हाईकमान नज़रअंदाज नहीं करेगी। मैं इस बात से हाईकमान से उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ज़रूर माला मैडम को टिकट देकर हम लोग उनको जिताने की हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और इस बात से मैं पार्टी को जय हिंद।